उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरव जोशी को एक धमकी आई जिसमें उससे कुछ पैसे की मांग की गई और पैसा नहीं देने पर उसको और उसके परिवार को खतरा पहुंचाने की भी धमकी दी गई थी। क्योंकि इस मामले में जो धमकी दी गई उसमें लॉरेंस विश्नोई गैंग का नाम आ रहा था, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल FIR रजिस्टर की और FIR रजिस्टर करने के बाद में जो धमकी भरा पत्र आया था उसको उस एरिया के आसपास के CCTV देखे हमने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस किया और कुछ मुखबिरी के आधार पर एक अभियुक्त जो है वो पुलिस के सस्पेक्ट के दायरे में आया। और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ पे निकल के आई बात कि उसके द्वारा ही यूट्यूबर सौरव जोशी से पैसा निकलवाने के उद्देश्य से उस तरीके का धमकी भरा पत्र उसको भेजा। ये जो अभियुक्त है ये पंजाब के मोहाली में एक होटल में काम करता था और इसने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम पर कई अन्य जगह पर लोगों द्वारा डराए धमकाने और पैसे वसूल करने के मामले को देखा था। उसी से इसने आइडिया लेकर यूट्यूबर सौरव जोशी को धमकाने का कार्य। सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई इसकी? इसको यहीं अल्दवानी से हमने गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा पूर्व में यहाँ अल्दवानी में आकर सौरव जोशी घर के रेकी की गई और इसके साथ इसने देखा कि किस तरीके से उसको धमकाया जा सकता है, तो इसी उद्देश्य से ही अल्दवानी आया था। और जब पैसे लेने के इरादे से अल्दवानी आया तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। ठीक है, थैंक यू।